ये है परमानेंट वैकेंसी और इसमें पेंशन वगैरह सब होगी। तो और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे आपके 13 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट होगी 27 फरवरी। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेंगे वो 10+2 रहेगा, मैथ के साथ होना चाहिए और फिजिक्स भी होना चाहिए, आपको 12वीं पास ही चाहिए इसमें, 12वीं पास। एज की बात करें 18 से 22 साल के बीच की एज होनी चाहिए। 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच जो भी बच्चे जन्मे हैं उन सबको ये मौका मिल रहा है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जोन वाइज है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान एंड निकोबार। और टोटल वैकेंसी अनरिजर्व जनरल के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 57, एसटी 28, एससी 47। टोटल वैकेंसी 260 वैकेंसी है जो कि एरिया वाइज दी हैं। नॉर्थ को बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो यहाँ देखेंगे उसके लिए आपको ज़रूरत क्या होगी घर से ले जाने के लिए, शूज, टी शर्ट, ट्राउज़र और क्या क्या आपको करना है। 1600 मीटर मीन्स 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है, और 20 स्क्वाड लगानी है मीन्स उठा बैठक, और 10 पुशअप लगानी है। अब इसके बीच ये तीनों जो चीज़ होंगी इसके बीच कोई गैप नहीं दिया जाएगा आपको, और लगातार ये आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेज में होगा, जिसको हम बता सकते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद सीधा आपको ये जो क्लियर करोगे, क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे। चार डेट क्या होगी, देखो स्टेज फर्स्ट मिड एंड अप्रैल में होगा, स्टेज फर्स्ट अप्रैल में होगा, स्टेज सेकंड मई में होगी, और स्टेज थर्ड अक्टूबर में होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिफेंस फोर्सेज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, हाइट जो होगी 157 सेंटीमीटर हाइट होगी, और 5 सेंटीमीटर 157 से कम किया जा सकता है जिसके पास निवास प्रमाण पत्र आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान, निकोबार। हाइट में भी रिड्यूस 2 सेंटीमीटर उनके लिए जिनका लक्षद्वीप में घर है। अब हम बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए बट 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव होना चाहिए। वेट की बात करूं तो प्लस माइनस 10% एक्सेप्ट है वेट। हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने कानों की वैक्स जरूर करा के आएँ और टीथ को क्लीन करा के आएँ। कैंडिडेट क्लेम अगर करना है अपनी हाइट में तो सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ। पेमेंट आपको कितनी मिलेगी, पेमेंट बहुत ज़रूरी है ना। पे पर्क्स एंड अदर बेनिफिट, बेसिक पे होगी आपकी 21,700 जो पे लेवल 3 से स्टार्ट होगी, प्लस DA मिलेगा और अदर अलाउंस मिलेंगे ड्यूटी जिस जगह पोस्टिंग है आपकी। प्रमोशन क्या है, प्रमोशन अप टू प्रधान अधिकारी रैंक तक होगा जो कि उसकी पे लेवल 8 होती है, 47,600 से स्टार्ट होता है, इसमें DA मिलेगा। प्रमोशन होगा ऑफिसर कैडर तक भी हो सकता है अगर सर्विस में आप अच्छा करते रहे। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स में हम बात करें, अदर बेनिफिट्स में क्या मिलेगा, अदर बेनिफिट्स में ये इतनी चीज़ें मिलेंगी। बात करते हैं फ्री राशन मिलेगा, क्लॉथिंग मिलेगी फ्री, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा सेल्फ और फैमिली के लिए, और गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा सेल्फ फैमिली, 45 दिन की ये अर्न लीव मिलेगी, 8 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी, और LTC भी मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा सेल्फ फैमिली डिपेंडेंट के लिए, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी है आपके पास, और ग्रेजुएटी भी, रिटायरमेंट भी है, कैंटीन फैसिलिटी भी रहेगी, और लोन फैसिलिटी भी रहेगी, ECH फैसिलिटी रहेगी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, सारी फैसिलिटियाँ, यहाँ तक कि लोन भी रहेगा आपका 75 लाख का। स्टेज फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर देखें स्टेज फर्स्ट, यहाँ पर आपको प्रोविजन टेस्ट होगा जो कि पास और फेल का निर्धारण करेगा, ठीक है, पास और फेल को निर्धारित करेगा। यहाँ पर आपके ओरिजिनल ID, वैलिड ओरिजिनल ID प्रूफ देखे जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी है आपके पास वो सारा चेक होगा। एक कलर प्रिंट आउट होगा आपको ई एडमिट कार्ड का, ब्लैक एंड वाइट अलाउड नहीं है, और 2 in नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 विद सिमिलर फेसेज एज ए अपलोडेड, जो आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन में भरोगे वही फोटो दोनों चाहिए, 2 SC ST कैंडिडेट के लिए ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर इनको छूट लेनी है, और ओरिजिनल ट्रेन, बस टिकट, कैंसिल चेक, लीफ, NEFT है, क्योंकि उनको SC ST अप्लीकेंट को जो यहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे उसका पूरा खर्चा मिलेगा, तो उसका उन्हें टिकट चाहिए ताकि वो दे सकें।
रुपए। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बायोमेट्रिक का बहुत बड़ा महत्व है। हर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद बायोमेट्रिक जरूर होगा, और जैसे ही एग्ज़ाम में अपीयर करोगे, जिस स्टेज में अपीयर करोगे, उस वहाँ बायोमेट्रिक के बाद ही आप कर सकेंगे। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट ऑन द पोस्ट अप्लाइड। नाविक जीडी के लिए सेक्शन फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड होगा, टोटल 50 मिनट्स का अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और एससी एसटी के लिए जो पासिंग मार्क हैं वो 44। पासिंग इन द सेक्शन कंपलसरी है, इसमें भी पास होना है आपको, इसमें भी पास होना है। अब नेक्स्ट बात करें हम, वेरियस सेक्शन एग्ज़ाम है, जो सेक्शन फर्स्ट है मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60, टाइम होगा 45 मिनट को, टोटल क्वेश्चन एक, मीन्स 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से मैथ के 20 होंगे, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, और जीके के 5 होंगे। पासिंग मार्क्स जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी 30 लाना है, 60 में 30, और एससी एसटी को 27 लाने हैं। और जो सिलेबस होगा वो क्लास 10th का होगा, बिल्कुल नॉन कम्बेडेंट भर्ती के लिए है, पर इसमें 10+2 चाहिए। अब हम सेक्शन सेकेंड की बात करें यहाँ पर, तो सेक्शन सेकेंड में भी यही सब होना है। सेक्शन सेकेंड का है मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा, और क्वेश्चन 50 होंगे, जिसमें मैथ के 25, फिजिक्स के 25। तो पास होने के लिए 50 में 20 चाहिए यू आर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 50 में 17 चाहिए एससी एसटी के लिए। क्लास 12th की फिजिक्स मैथ आएगी सेक्शन बी। अब हम बात करते हैं सेक्शन स्टेज टू की। स्टेज टू में क्या होगा, आपको जो आपने टेस्ट दिया था कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उस पर शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट, और यह बताया जाएगा जो भी पास होगा तो उनको स्टेज टू के लिए एक दो दिन लगेगा, और स्टेज टू के लिए सेंटर भी अलॉट होगा, और वहाँ पर स्टेज टू का टेस्ट होगा, जिसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे, बायोमेट्रिक वेरीफाइड होगा, और ओएमआर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन जो उसका रिजल्ट सुनाया जाएगा वो वहीं पर एग्ज़ाम पर ही रिजल्ट सुना दिया जाएगा, और जो क्वालिफाई होंगे उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पीएफटी के लिए जाना होगा। जिस अभी नेक्स्ट आते हैं रिक्रूटमेंट मेडिकल। अब मेडिकल आप तो जानते ही हो, हर डिफेंस में मेडिकल होता है। मेडिकल ऑफिसर आपको असिस्ट करेगा मेडिकल टेस्ट कैसे होना है, और वो मेडिकल टेस्ट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट की जो प्रिपरेशन होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड विल कैरी आउट द रीवेरिफिकेशन एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट। जो रीवेरिफिकेशन कराएंगे इनका, जो अब्सेंट होगा कैंडिडेट, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर मेरिट हु विल क्वालिफाई द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्लेयर फिट इनिशियल अपील मेडिकल। मतलब यदि वो मेडिकल में फिट हो गए, अगर वहाँ डॉक्यूमेंट उनके प्रूव हो गए, तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी मार्क्स के अकॉर्डिंग, स्टेज फर्स्ट में जो मार्क्स आए थे और वैकेंसी के अकॉर्डिंग। फिर आपको कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, तो उनको देखा, जिन जिन कैंडिडेट के सेम मार्क्स आएंगे और उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कब उनको किस में रखना है, तो उन्होंने फर्स्ट सेक्शन में कितने मार्क्स स्कोर किए थे, और उनकी कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी हायर एडमिटेड। जिनकी डेट जैसे 18 से 20 के बीच लिया जा रहा है बंदा, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यदि सेम मार्क्स आए हैं दो बंदों के, तो एक की उम्र है 19 साल, एक की है 18 साल, तो ये वाला पहले लिया जाएगा जिसकी उम्र ज़्यादा होगी। अब हम स्टेज थर्ड की बात करते हैं, जहाँ पर कैंडिडेट क्वालिफाई कर चुका होगा स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, मेरिट लिस्ट में अपीयर हुआ होगा। स्टेज थर्ड एक दो दिन टाइम लगता है, और ये प्रोसीजर होता है इस स्टेज थर्ड का, मेडिकल के लिए प्री इनरोल्ड किया जाएगा आईएनएस चिल्का, प्री इनरोलमेंट मेडिकल चिल्का में ही आपका, जब आप भर्ती होगे वहाँ तो प्री इनरोलमेंट होगा आपका, मींस मेडिकल होगा चिल्का में। स्टेज फोर्थ में द कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग के लिए जाएगा चिल्का के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएगा स्टेज थर्ड के साथ, वेरिफिकेशन होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी, गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट इंडियन कोस्ट गार्ड, कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस। डॉक्यूमेंट अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई और दिक्कत हुई, तो वो किसी भी टाइम किसी भी समय कैंडिडेट को बाहर कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, ये पूरा सिस्टम दिया है, तो वो उसको आप देख लें। अब हम बात करेंगे, रिजल्ट डिक्लेरेशन होगी, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट
यहाँ पे बात आती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं हर स्टेज पे। तो स्टेज फर्स्ट पे ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, स्टेज सेकंड पे ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, स्टेज थर्ड पर ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। टैटू की बात करूँ, परमानेंट टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन बॉडी पार्ट। यदि आपने टैटू बना रखे हैं तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है टैटू के हिसाब से उसको देखा जाएगा। टैटू की ये PDF है, इसको पढ़ लेना, यहाँ पे आपको पूरा टैटू का, और ये जो पूरा PDF है वो हमारे चैनल तोमर सेना ऑफिशियल और द पैरा ट्रूपर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ट्रेनिंग आपकी नाविक GD की INS चिल्का होगी, जिसमें सी ट्रेनिंग होगी, और जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें, जो कुछ भरे जाएंगे, फॉर्म भरा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके